और लास्ट है हमारा सभी नंबर का हीरो, वो है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत स्पेशल पर्पस के लिए। एक्चुअल में आज का मैं वीडियो अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होते हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। आप सभी को ये बात पता है कि बिना मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कमांड के हम ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। और ये बात भी अपने को पता है कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आफ्टर टेंथ क्लास या तो आर्ट्स फैकल्टी से आते हैं, या कॉमर्स फैकल्टी से आते हैं, या बायो की फैकल्टी से आते हैं, या इवन मैथ्स फैकल्टी से भी आते हैं, तो हमारा बेसिक फंडामेंटल पूरा गायब हो चुका रहता है। और जैसे ही हम ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आते हैं तो मैथमेटिक्स हमको बहुत परेशान करता है। ये क्वाइट नेचर है, आप सबको ये बात पता है। और मैथमेटिक्स के प्रति हमारा एक डर, एक फोबिया डेवलप हो चुका है हमारे दिमाग में कि हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को आगे देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि यदि आपका मैथ्स के प्रति कोई डर है, कोई फोबिया है, तो मैंने मैथमेटिक्स का डर दूर करने के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया है कि हम मैथमेटिक्स का डर अपने दिमाग से कैसे दूर करें, किन कारणों से हमको मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है और उनको हम कैसे रिमूव करें, दोनों बात पर मैंने डिस्कस किया है। तो आपसे आपको मेरा एक सजेशन है कि आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा अपना मैथमेटिक्स, और पढ़ाने से पहले मैं कुछ टेक्निकल चीज़ों पर आपसे बात करूँ। एक्चुअल में मैथमेटिक्स को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है, मैथमेटिक्स की अपनी एक अलग भाषा है, उसकी अपना एक अलग लैंग्वेज है, और यही एक कारण है कि हम उन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते जिसके कारण हमको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता या उनको पढ़ने का एक ऑर्डर है। दूसरा बात, मैंने ये देखा कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत से जब क्लास लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैंने ये बात देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए मैथमेटिक्स को ट्रिकी मेथड पर, सी सेट तो हमारे लिए बस क्वालिफाइंग है करके, वो क्या करते हैं ट्रिकी मेथड पर तैयारी करके काम चला लेते हैं। लेकिन जैसे हम मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं या फिर जहां पर हमको रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है तो हम वहां पर फेलियर हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप बिगिनिंग से, आप शुरुआत से ही मैथमेटिक्स का तैयारी ट्रिकी, ओनली ट्रिकी मैथमेटिक्स पर बेस मत होइए, आप उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए। देखिए दोनों में एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप ट्रिक्स मेथड पर यदि आप चलेंगे तो आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन बनेगा जिसको आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन यदि आप उसके कॉन्सेप्ट पर जाके बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ के यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम ट्रिक्स पर, ओनली ट्रिक्स पर बेस्ड हैं तो हम मेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिख पाते, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरे स्टेप, उसके पूरे एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि आपको किस किस स्टेप पर उसको सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग्स में आपको मैथमेटिक्स को ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी पता हो, उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। देखो मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात क्लियर करूँ। सपोज ए एंड बी टू स्टूडेंट्स हैं, और ए स्टूडेंट्स ने सपोज 1000 क्वेश्चन, सपोज 1000 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, और सपोज बी एक कैंडिडेट है जिसने ओनली 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम दे के आता है तो बी स्टूडेंट ए से ज़्यादा अच्छा पेपर बना के आता है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि सर कैसे, इसने तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया था, यह तो ओनली 200 क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ डिफरेंट ये है कि इस कैंडिडेट ने क्या किया था, 1000 क्वेश्चन तो किया था लेकिन एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पर फोकस था। सपोज इसने 10 टाइप का क्वेश्चन किया, 100 क्वेश्चन किया,
100 टाइप्स के क्वेश्चन किया और सबके 10-10 क्वेश्चन किए, 1000 क्वेश्चन, दैट मीन्स उसके ओनली 100 कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन सपोज इस स्टूडेंट ने क्या किया, हर कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन किया, 200 कॉन्सेप्ट, ये 200 कॉन्सेप्ट पर है, ये 100 कॉन्सेप्ट पर है, नेचुरली ये इससे ज्यादा तैयार है कम क्वेश्चन करके भी। दैट मीन्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर फोकस होइए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस में आने के लिए सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपका फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। दैट मींस आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। और एक और खास बात, जो आप में से जितने लोग कई बार एग्जाम दे चुके होंगे, आप देखे होंगे कि हर बार आपको क्वेश्चन पेपर में नए टाइप का क्वेश्चन मिलता है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक्स कंसल्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोचिंग क्लास आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो एक कॉमन ओपिनियन आपका होता है कि वो सब तो कुछ आया ही नहीं। दैट मीन्स मैथमेटिक्स को हमको लर्न करना है, सीखना है, उसको रटना नहीं है। जैसे एक बार आदमी साइकिल चलाना सीख जाता है, स्विमिंग करना सीख जाता है, तो फॉर एवर हमेशा के लिए सीख जाता है। तो आज फर्स्ट डे है मेरा, पहला क्लास है मैथमेटिक्स के लिए, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर आपके साथ डिस्कस किया पढ़ाने से पहले। तो मेरा लास्ट में आपको यही बात कहना है कि आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस होना है। आप अपने कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लीजिए कि आपको एग्जाम में न्यू क्वेश्चन भी आपसे बन जाए जो आपने कभी देखा नहीं था। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको आप सूक्ष्मता से पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना क्लास। और देखिए, मैं पढ़ाने से पहले आपको अपनी एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग आपको बता दूं कि मैं किस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा, इसमें हम कितने मैथमेटिक्स को टच करेंगे और उनको पढ़ने का भी एक प्रॉपर ऑर्डर है। यदि आप मैथमेटिक्स को कहीं से भी उठा के आप पढ़ लेंगे, आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पुअर है, आप ठीक से उसको समझे नहीं हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता, आपको एवरेज नहीं आता, और आप सीधा डिफिकल्ट लेवल पर क्वेश्चन चले गए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको इजी से डिफिकल्ट होना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में, एक्चुअली मेरा जो क्लास है, मेरा जो वीडियो है या मेरा जो कोचिंग है, कम्प्लीटली IIT JEE पर बेस्ड क्लास है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स के प्रति एक इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि जीरो लेवल से भी मैथमेटिक्स में स्टूडेंट उठे। तो मैं अपने क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं ये समझ के आपको पढ़ाऊँगा कि सपोज जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आता, जीरो है। आपको आता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं स्टार्ट जीरो से करूँगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर बात करूँगा। भले ही कुछ वीडियो आपको मेरे लेंदी लगेंगे, लेकिन वो आपके लिए स्टार्टिंग में जरूरी है। बाद में जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होगा, आप बहुत तेज़ी से उसको समझने लगेंगे। बेस क्लियर हुआ उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में बहुत मजा आएगा। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का जो एक ऑर्डर होता है, उसमें सबसे पहले है बीजगणित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजगणित, अलजेब्रा। मैं पूरे कंटेंट्स को आपको बायलिंगुअल दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन करने वाले कुछ स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें सबको मैं टर्मिनोलॉजी आपको कंप्लीट दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बीजगणित, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या पढ़ना होता है अपने को, कैसे बेस क्लियर होता है। सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे अंकगणित, अरिथमेटिक। थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ नंबर में हम पढ़ेंगे ज्यामिति। ये एक पढ़ने का सर्टेन ऑर्डर है। फिफ्थ नंबर में अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। और सिक्स नंबर लास्ट में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ये
इतने मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे और यही हमारा पढ़ने का प्रॉपर ऑर्डर होगा। यदि आपका एलजेब्रा क्लियर है, एलजेब्रा इज द बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यदि किसी स्टूडेंट का एलजेब्रा पुअर हो तो पूरे मैथमेटिक्स अपने आप पुअर हो जाएगा। तो एलजेब्रा में बेसिकली हम जो टॉपिक टच करेंगे उसमें सबसे पहले आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अपन पढ़ेंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगा, वर्गमूल निकालना बताऊंगा, लघुत्तम निकालना, महत्तम समापवर्तन निकालना। ये जितने क्वेश्चन हैं, एक चर राशि वाले, दो चर राशि वाले समीकरणों को हल करना जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, वर्ग समीकरण, ये सारे चीज़ें यदि आपके क्लियर हो जाए तो आपको पिता पुत्र के उम्र संबंधी प्रश्न, नदी नाव संबंधी प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न होते हैं आपके बीजगणित के कांसेप्ट क्लियर होने के बाद बनेंगे। फिर अपन औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि ये सब अंकगणित में पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति में आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के नेचर को पढ़ेंगे। ज्यामिति में अपन ट्राइंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, सब उसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना। और क्षेत्रमिति में हम थ्री डायमेंशन जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन ये सब पढ़ेंगे। और सांख्यिकी में अपन पढ़ेंगे बेसिकली स्टैटिकल चार्ट बनाना, बार डायग्राम बनाना, पाई चार्ट बनाना जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ये हमारा कंप्लीट एक प्लानिंग है कि इस तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आप क्रमशः इसको देखते जाइए और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा एलजेब्रा का अपना फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति। चूंकि आज मैं आपको अपना पहला क्लास दे रहा हूं इसलिए मैं बेसिक फंडामेंटल पर थोड़ा ज़्यादा बात करूंगा और उस वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संख्या पद्धति। जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए मैथमेटिक्स अपने आप में नंबरों का ही खेल है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है नंबर। संख्या पद्धति मतलब हमको नंबर के बारे में जानना है। तो एक्चुअल में संख्या पद्धति होता क्या है, संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम समझें कि अंक, अंक क्या होता है, डिजिट्स, डिजिट्स। तो मैथमेटिक्स में जितने भी अंक यूज किए जाते हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ये क्या है, हमारे डिजिट्स हैं। और हमारा डेसिमल सिस्टम में हमारा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ये 0 to 9 अंक के नंबर तक के चलता है, जिसमें से हम 1 to 9 तक का जो नंबर है इसको सार्थक अंक बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है, ये सार्थक अंक है। और 0 को हम बोलते हैं असार्थक अंक। ये सार्थक है, ये असार्थक अंक, क्लियर, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये डिजिट्स होते हैं और डिजिट से बनता है फिर संख्यांक। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी टर्मिनोलॉजी। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के डिफिकल्ट लगने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कि हमको उस सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी पर कमांड नहीं होता। सारे सब्जेक्ट का अपना नेचर है। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का अलग एक शब्दकोश, एक वोकैबुलरी है, उसको आपको तैयार करना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उनका अपना एक लैंग्वेज होता है। उसी तरह से मैथमेटिक्स का भी अपना एक लैंग्वेज है। और यदि आपको जब तक उसके कॉमन लैंग्वेज में कमांड नहीं होगा आप वो सब्जेक्ट नहीं समझ सकते। तो संख्यांक अपन क्या कहेंगे, देखो न्यूमेरस, न्यूमेरस ये क्या होता है, संख्यांक। संख्यांक जब हम बनाते हैं तो अंकों की सहायता से बनाते हैं। और वो किस तरह से बनाते हैं, जैसे मैं कहीं पर लिख दिया 7, 5, 6, 2, यह क्या है, एक संख्यांक है जिसमें सबसे पहले जो लिखा जाता है ये 2, ये आपको पता है ये इकाई का अंक होता है। इसके बाद जो लिखा जाता है वो दहाई का अंक है, ये यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। इसके बाद ये सैकड़े का है, फिर ये हजार का है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, ये आपको पता है। अब ये जो संख्यांक होता है, इस संख्यांक में दो तरह की बात होती है। अंकों का जो परिचय होता है इसमें, ये दो तरीका से होता है कि इस संख्यांक में हम अंकों दो तरीके से समझते हैं। पहला कहलाता है उसका फेस वैल्यू, जातीय मान कहेंगे हिंदी में, जातीय मान, इंग्लिश में अपन कहेंगे फेस वैल्यू। और दूसरा कहलाता है उसका स्थानीय मान,
स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू तो क्या होते हैं, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है 7562, ये जो मैं लिखा हूं उसमें यदि मैं 5 का, ये 5 का यदि जाति मान निकालना चाहूं, देखिए नाम से स्पष्ट है जाति मान, फेस वैल्यू, उस फेस का वैल्यू कितना है, तो ये जो 5 है उसका फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों? फेस वैल्यू का मतलब होता है उसका रियल में जो उस अंक का जो वास्तव में उसका जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है, जाति मान कहलाता है। लेकिन स्थानीय मान का क्या मतलब होता है, जिस स्थान पर उस नंबर को यूज किया गया है, जिस प्लेस पर है। अब यहां पर हम 5 के सपोज स्थानीय मान पर बात करें, उसके प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर रखा है, तो नेचुरली कहां पर रखा हुआ हो, सैकड़ा के जगह में रखा हुआ है, तो वहां पर उसका मान क्या हो जाएगा, 5×10^2, मतलब 500। यहां पर इसका मान 5 नहीं है, यहां पर इसका स्थानीय मान कितना है, 500 है। क्लियर? मतलब जिस पोजीशन पर वो रखा होता है। तो मैंने दो बात आपको बताया, जाति मान का मतलब होता है उसका खुद का रियल वैल्यू कितना है, और स्थानीय मान का मतलब होता है वह नंबर जिस स्थान पर यूज किया गया है। यदि 1000 के जगह यूज किया गया है, 10000 के जगह यूज किया गया है, तो उसका स्थानीय मान उससे मल्टीप्लाई होकर निकलता है, ये 500 है। तो ये होता है जाति मान, स्थानीय मान। अब हम देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार। क्लियर? संख्या के प्रकार कितने होते हैं, अलग अलग संख्याओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ें इसके प्रकार में, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। अच्छा, आप नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स संख्याएं, मैं आपको इससे पहले कि संख्याओं के बारे में बताऊं एक कांसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, वो है संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या होता है, देखिए हमारा पूरा जो फैक्ट है नंबर के बारे में, जितनी भी जानकारी है वो नंबर लाइन पर डिपेंडेंट होता है। ये एक नंबर लाइन है जहां पर ये जो नंबर है वो 0 है, और ये इसका राइट हैंड साइड है 0 का, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यदि हम राइट हैंड साइड में चलें तो राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा निगेटिव नंबर को लिखा जाता है। और 0 एक न्यूट्रल नंबर है, वह न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है, 0 डिटरमाइन करता है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम राइट में चलें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। इधर चलें तो -1, -2, -3 अप टू -∞ तक जाएंगे इधर। ये कहलाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसी संख्या रेखा के बेस पर हम पूरे नंबर को डिफाइन करते हैं। देखिए आपको पता है कि कभी हमको ये पूछा जाए कि -3 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि -3 -2 में कौन सी संख्या बड़ी है। इधर तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो वास्तव में संख्या रेखा में किसी भी नंबर के छोटे या बड़े होने का कांसेप्ट क्या है, कि नंबर लाइन में कोई भी नंबर अपने लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ी होती है। दैट मीन्स राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ी होती है। जैसे ही हम 3 और 1 पर बात करें, तो मैं सामने खड़े होकर देखूं तो 3 मेरे राइट साइड में है और 1 मेरे लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स 3 क्या है, 1 से बड़ा है। ऐसे भी आप उसको समझ सकते हैं कि राइट हैंड हमारा क्या होता है, पावरफुल होता है। राइट हैंड का नंबर लेफ्ट हैंड के नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इधर आप देखिए ये -3 है और ये -1 है। यदि यहाँ पर मैं खड़े होकर देखूं तो मेरे राइट साइड में दोनों का कंपेयर करूं तो मेरे राइट हैंड साइड में ये है और लेफ्ट साइड में ये है, तो राइट का नंबर लेफ्ट से बड़ा होगा। दैट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -3।
इस तरह से माइनस सॉरी माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, ठीक है। हम यदि जीरो और माइनस वन का कंपेयर करें कि जीरो और माइनस वन में कौन सी बड़ी संख्या है, तो जीरो राइट में है और वन क्या लेफ्ट में है, तो ये संख्या इसे बड़ी है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है। इसके बाद जो नंबर्स आपको मैं बता रहा हूँ ये पूरे नंबर्स भी क्या है, संख्या रेखा पर डिफाइन होते हैं। तो देखें नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर एक्चुअल में गिनती के काउंटिंग के काम में आता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन टू थ्री से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर वन से इन्फिनिटी तक ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आप ध्यान रखना। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि नेचुरल नंबर नेवर कैन बी निगेटिव, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए हम जीरो को शामिल नहीं किए। तो संख्या रेखा में यदि आपको बताना चाहूँ तो संख्या रेखा में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, ये वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है वन से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लियर। नेक्स्ट इज पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग जीरो। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल कर लें तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, क्योंकि जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर यदि हम इसको भी इसके साथ में शामिल कर लें, ये जीरो को, तो अब जीरो से लेके पूरा वहाँ तक जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ये होल नंबर है, संख्या रेखा में आप देखते जा रहे हैं कहाँ तक नेचुरल नंबर है, किसको शामिल करने से वो होल नंबर है। एंड थर्ड इज पूर्णांक संख्या, ये लैंग्वेज को आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम कोई क्वेश्चन बनाते रहेंगे और वहां पर ये लैंग्वेज यूज होगा तो फिर हम समझ नहीं पाते। मैं बोलूंगा कि पूर्णांक संख्या ये क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो वहां पर भी समझ नहीं आता। इसलिए टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। दैट मीन्स इंटीजर क्या होते हैं, पूरा नंबर लाइन, पूरा जो नंबर लाइन है, यदि मैं यहां से यहां तक पूरे नंबर लाइन को ले लूं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो पूरा क्या बन जाएगा, ये इंटीजर, ये पूरा इंटीजर है। पूर्णांक मतलब ये तीनों में आप कंपेरेटिवली पढ़िए, प्राकृतिक संख्या वन से इंफिनिटी तक सभी पॉजिटिव नंबर है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है, और यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को ले लें माइनस इन्फिनिटी से पूरा प्लस इन्फिनिटी तक, तो क्या बन जाता है, वो पूर्णांक संख्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, क्लियर। तो ये तीन नंबर हुए। नेक्स्ट अपन देखते हैं सम संख्या विषम संख्या, जो कि बहुत कॉमन है, आप सबको पहले से पता है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सम संख्या विषम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर, इवन नंबर आपको पता है कि जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाए, जो दो से भाज्य हो जाए वो सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, मतलब जो दो से भाज्य हो। और एक चीज आप ध्यान रखना कि चूंकि ये दो से भाज्य होता है तो कभी भी हमको सम संख्या को प्रदर्शित करता है तो 2n से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में यदि 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाता है, वो सम संख्या बन जाता है, ठीक है। फिर बाद में मैं कुछ स्पेशल नोट बताऊंगी इसमें, आप इसको ध्यान देना। फिफ्थ इज ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जिसमें दो का भाग ना जाए, जैसे 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सब क्या है,
विषम संख्या है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कभी भी 2n प्लस 1 से या 2n माइनस 1 से। ऐसा क्यों? देखिए 2n क्या है? सम संख्या है। यदि 2n में एक जोड़ दिया जाए, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए, जैसे 2, 4, 6 ये हमारे पास सम संख्या है, 2 में एक जोड़ दूं, 2n में 1 यदि मैं प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा? 3, वो विषम संख्या बन जाएगा। 4 में यदि क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। माइनस करने से भी ऐसा होता है, जैसे 4 है और 4 में यदि 1 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखना कि सम संख्या में प्लस 1 या माइनस 1 करने से वह क्या बन जाता है? विषम संख्या बन जाता है। क्लियर? अब ये नोट जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से आप इसको समझना और आप उसको नोट करके रखना, ये आपको बहुत से क्वेश्चन में कांसेप्ट काम आएगा। क्या होता है कि कभी भी दो क्रमागत, या सीधा कहें अपन क्रमागत मतलब कॉन्सिक्यूटिव, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत सम संख्या, सपोज आपको क्रमागत सम संख्या मानना है, आपको क्रमागत सम संख्या मानना है, तो सपोज मैंने पहला सम संख्या n माना, अब यहाँ पर 2n ना लेके n ले रहा हूँ, मान लो n क्या है यहाँ पर? सम संख्या पहले नंबर का। तो क्रमागत मतलब इसके बाद वाला सम संख्या क्या आएगा? तो जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक करता है कि यदि पहला सम संख्या n है तो दूसरा वाला सम संख्या n प्लस 1 होगा सोच लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूसरा होगा n प्लस 2, क्योंकि जब तक इसमें 2 ऐड नहीं होगा ये सम संख्या नहीं बनेगा। क्लियर? और तीसरा क्या हो जाएगा? n प्लस 4, ये होगा क्रमागत सम संख्या। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर यह है कि यदि आपको क्रमागत विषम संख्या पूछे, यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्रमागत विषम संख्या, तो सपोज आपने पहला विषम संख्या n को मान लिया, तो यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट क्या समझता है कि 2 ऐड करने से वो सम संख्या बनना है और 1 ऐड करूंगा तो विषम संख्या, और एक बड़ी भूल कर लेता है, वो अगले संख्या को n प्लस 1 मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर भी क्या होगा? n प्लस 2 होगा। ये सब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को करते देखा है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर क्रमागत सम संख्या मानेंगे तभी n n प्लस 2 n प्लस 4 मानेंगे, और क्रमागत विषम संख्या लेंगे तो भी n n प्लस 2 n प्लस 4 लेंगे, तो ऐसा कैसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यदि आपने पहला संख्या 2 ले लिया तो दूसरे संख्या को बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे तो ये 4 होगा, तीसरे संख्या बनाने के लिए 4 ऐड करेंगे तभी क्या होगा? ये 6 होगा। यहां पर भी आप देखिए कि क्रमागत विषम संख्या में पहला संख्या आपने विषम लिया, सपोज आपने 3 लिया, तो 3 में कहीं आप 1 ऐड कर दोगे तो 4 नहीं होएगा, तो 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2, मतलब क्या होगा? 5। फिर आप 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। तो चूंकि पहला ही नंबर सम है तो आगे उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा तो क्रमागत सम संख्या बनेगा, और चूंकि यहां पहला नंबर ही विषम है तो यहां भी 2 ऐड करने पर ही क्या बनेगा? विषम बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना आप, क्योंकि अभी जब मैं आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, और किसी क्वेश्चन में मैंने बोला कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 32 है, और कहीं आप उसको समझ नहीं पाए कि 3 क्रमागत सम संख्या क्या हो गया, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो फिर आपको उस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको केवल ये नहीं समझना है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है, तो हर कोई जानता है, आपको ये बात भी समझना है कि क्रमागत संख्याओं को कैसे माना जाता है। क्लियर? ये हो गया हमारा सम संख्या विषम संख्या। नेक्स्ट अब संख्या अपन देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, पहले अपन देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर? ये प्राइम नंबर, एंड नेक्स्ट इज, एक साथ दोनों को मैं समझा रहा हूं, कंपेरेटिव अभाज्य भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से या स्वयं से, वन या सेल्फ, स्वयं से,
भाज्य होता है। एक से भाज्य हो या स्वयं से भाज्य हो, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on। यहां पर देखिए, ये सब या तो किसे डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये कहलाते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। क्लियर? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि 2 एक अकेला ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 को छोड़ के आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, पूरे अनंत तक चले जाइए, तो आपको कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप स्पेशली नोटिस करना कि 2 जो है वो यूनिक अकेला सम संख्या है। और 2 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कई बार स्टूडेंट्स 1 को अभाज्य संख्या मान के, कई बार मैंने देखा है कि मल्टीपल चॉइस में सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ऑप्शन में 1 दिया है, 1 टिक कर लेते हैं। 1 अभाज्य संख्या नहीं, 1 के बारे में मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि 1 जो है, 1 जो है, ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। उसको दोनों कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि वो खुद डिटरमाइन करता है कि कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। क्लियर? तो 1 कुछ नहीं है। जैसे आपको कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि 1 है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, दोनों नहीं या इनमें से कोई नहीं, तो आप ध्यान रखना वो दोनों नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या नेचुरली क्लियर है कि जिसमें 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी और से, जैसे सपोज 12 हमें लिखा, तो 12 किसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से तो होगा ही, और बहुत से नंबर्स हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो 1 और स्वयं को छोड़ के और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, दैट मींस कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्लियर? ये कहलाता है। तो अब ध्यान रखना अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या क्या है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपन इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम क्यू को जीरो कर देंगे तो किसी भी नंबर में जीरो को डिवाइड करने से वो अनंत बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, और इन्फिनिटी बनने के बाद वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर? तो परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, और जिसमें इसका जो हर है डिनोमिनेटर दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है? जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो फिर ऐसे कैसे नंबर्स होते होंगे? जैसे रूट टू √3, √5, पाई जो कि 22/7 होता है, ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। बाद में आपको जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा, दशमलव भिन्न पढ़ाऊंगा, तो ये इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप सिर्फ ये पहचान लीजिए, जैसे √3 का वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन बहुत सारा होता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग आपको जब बताऊंगा, आवर्ती दशमलव ये सब तो आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखिए कि ऐसी संख्याएं जिसको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। और लास्ट है हमारा सभी नंबर का हीरो, वो है वास्तविक संख्या। ये बताने के बाद में संख्या के प्रकार को यहां कंप्लीट कर दूंगा। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। कैसा हीरो है ये? रियल नंबर का मतलब होता है अभी तक आपने जितने तरह का नंबर पढ़ा सबको मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है, कुछ चीजों को छोड़ के। कैसे? देखिए, अभी मैंने नंबर लाइन आपको बताया था, तो ये 0, ये 1, ये 2 अप टू इन्फिनिटी,
यहाँ पर -1, -2 और -3। यहाँ पर मैं आपको बताया कि यदि हम बात करें किसका, पूर्णांक का, इंटीजर का, तो मैंने बताया कि सबके सब पूर्णांक हैं। लेकिन यदि इसमें हम क्या करें, परिमेय संख्याओं को भी शामिल कर दें, जैसे यहाँ पर सपोज 1 और 2 के बीच में 1.5 भी होगा 1.5 होगा। दैट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं उसको, 15/10, दैट मीन्स 5/2, सॉरी 3/2। तो 3/2 भी यहाँ पर शामिल है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 3/2 मतलब 1.5 भी है वहां पर, तो वो भी यदि शामिल हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर। दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर रियल नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की जितनी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ पर स्पेशल नोट बता दूं कि कोई भी नंबर यदि अंडर रूट के अंदर हो और वो निगेटिव हो, जैसे रूट ऑफ -1, इसके बारे में बाद में आप किसी क्लास में डिस्कस करूंगा, रूट ऑफ -1 तो ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, अधिकल्पित संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे कहीं पर आपको लिखा हो रूट ऑफ -25, तो ध्यान रखना यदि कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर निगेटिव रूप में आ जाए, ऋणात्मक रूप में आ जाए, तब हम उसको वास्तविक संख्या नहीं कहते, ये काल्पनिक संख्या, अधिकल्पित राशि कहलाती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया संख्या पद्धति, उसके बेसिक फंडामेंटल। अब आज के क्लास में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है भाज्यता का टेस्ट करना, विभाज्यता का परीक्षण, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज को सीखे बिना आपको हमेशा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, आप कहीं भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आप सोचते बैठे रहेंगे कि किसको किससे भाग दूं। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको कराऊंगा, वो है विभाज्यता की जाँच। विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये है भाज्यता की जांच। ये बहुत कुछ आप लोगों को इनमें से पता होगा, लेकिन आज इसको मैं आपको बहुत स्पेशल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। वैसे कि जनरली हमको 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसा हमको याद रहता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हमको याद नहीं रहते, तो मैंने इसको एक स्पेशल इसके लिए आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार किया है कि हम विभाज्यता की जांच को जैसे आप रटते होगे कि इसको भाज करते, ऐसा कुछ मत करिए, वो आप भूल जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको यहाँ पर मैं बहुत टेक्निकल इसको बता रहा हूँ, इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा है कि भाज्यता के नियम को हम कैसे तैयार करें। अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको इसके आपके स्क्रीन पर एक पेज आपको दूंगा, उस स्क्रीन को आप देखते रहिए आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, और मैं बैकग्राउंड से आपको उसको समझाऊंगा कि मैंने उसको क्या क्या बताया है। और आपको मेरा एक सजेशन है कि आप उसका स्क्रीन शॉट रख के जरूर रख लीजिए, क्योंकि वह यूनिक कलेक्शन है, उसको आप एक बार रिवाइज करोगे तो भाज्यता का नियम आप कभी नहीं भूलोगे। उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, पहले उसका बैकग्राउंड बता दूं। पहले ए पार्ट में मैंने रखा है जिसमें हम अंतिम, जो हमारा अंतिम संख्या होता है लास्ट का, किसी भी नंबर देगा आपको तो उसका अंतिम संख्या का पहला पोजीशन या दूसरा पोजीशन या तीसरा पोजीशन को देख के हम डिसाइड करेंगे, मतलब इकाई के अंक को देख के या इकाई और दहाई को देख के या इकाई दहाई और सैकड़ा को देख के हम उसके भाज्यता को तुरंत बना सकते हैं। और इसके कैटेगरी में हम रखेंगे 2 से 4 से 8 से 5 से 10 से 15 से, ये जो नंबर हैं इनकी भाज्यता को हम इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंकों को देख के हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? ये 15 गलत बोले। क्लियर? बी कैटेगरी में मैंने रखा है अंकों का योग। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसमें पूरे अंकों का योग को देख के भाज्यता को परीक्षण किया जाता है, जिस कैटेगरी में मैंने रखा है 3 को 9 को और 11 को। इसके सब रूल्स मैं आपको अभी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इसको बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको।
तो ये अंकों का योग के आधार पर जिनको डिसाइड किया जाता है 3915। इसके बाद सी कैटेगरी में मैंने रखा है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो नंबर होता है उसका गुणनखंड, नंबर का गुणनखंड करके हम बता सकते हैं कि किसे भाज्यता होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 है, 12 है, 14 है, 18 है, ये सब क्या है, 15 है, जो भी मैंने बताया आपको वहां लिखा था 15, 18, ये सब क्या है, गुणनखंड के आधार पर। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 6 को 2 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7। इस तरह से इनके गुणनखंड के आधार पर हम बता देंगे कि वो किससे भाज्य होगा। और चौथा कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हमने रखा है डी, वो है जहां पर हम क्या करते हैं, इकाई के अंक में कुछ गुणा करके, यहां पर हम क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक होगा उसमें कोई नंबर का गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद बचे हुए नंबर के साथ उसको जोड़ या घटा के बताते हैं। और ध्यान रखना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें सभी प्राइम नंबर्स आते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे 7 का, 13 का और 17 का, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत रेयर है। तो ये मैंने कैटेगरी आपको डिवाइड किया है, इनका अलग कैटेगरी, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। तो एक कैटेगरी वाइज यदि आप इस रूल को याद कर लें तो आपको सिर्फ 4 रूल याद करने पड़ेंगे और पूरा कंपेरेटिवली आपको तैयार हो जाएगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ स्लाइड, आप मेरे स्क्रीन पर अब आप देखिए, मैं एक एक कर को ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके उसमें एग्जाम्पल हैं और आप पढ़ोगे उसको कैसे, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आप लाइन टू लाइन उसको उस स्क्रीन से समझते जाइए और फाइनली आप उसका स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको रिवाइज करना है तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए ये आप स्क्रीन पर, सबसे पहले देखिए आप विभाज्यता की जांच का, ए टाइप में मैंने लिखा है अंतिम 1, 2 या 3 अंकों को देखकर, जिसमें एग्जांपल में लिखा है 2, 4, 8, 5, 10, 25। तो पहला 2 से भाज्यता, 2 से भाज्यता के नियम में आप देख रहे हैं कि इकाई में सम संख्या हो या शून्य हो, बहुत आसान है ये तो, इकाई में यदि सम संख्या हो या शून्य हो तो 2 से उसमें भाग जाता है। जैसे 224, तो 224 में आप देखिए 4 क्या है, सम संख्या है, या 320 में इकाई में क्या है, शून्य है, तो बहुत आसान है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट देखिए 4 से भाज्यता में आप देखिए अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, दैट मीन्स लास्ट के 2 नंबर हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है 1, 3, 5, 9, 1, 6, इसलिए हमने 1, 6 को अलग कलर में डिस्प्ले किया है, आप देखिए ताकि आप उसको वहाँ पर फोकस हो सकें। तो लास्ट का जो 2 अंक है वो 16 है और 16 में क्या हो, 4 डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 से डिविजिबल है। क्लियर, ये तो आसान है बहुत। थर्ड रूल है हमारा 8 से, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, लास्ट के 3, इसलिए देखिए मैंने उसको ऐसा बनाया है, अंतिम 1 अंक, फिर अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, इस तरीके से आपको इसको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा, जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है 257192, तो 192 देखिए 192 वो 8 से विभाजित हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 5 से, तो 5 का नियम क्या है, इकाई में 5 हो या शून्य हो, ये तो बहुत आसान है, एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा, देखिए पहले एग्जांपल में 0 है, दूसरे में 5 है, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये सब आसान है। इसके बाद 10 से, तो 10 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, यदि इकाई में शून्य हो तो 10 से विभाजित होगा ही। 25, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो, लास्ट के 2 डिजिट यदि 25 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरा संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा, जैसे 79625, तो लास्ट में 25 है, ये हो जाएगा। तो पहले कैटेगरी में बहुत आसान है, आप अब समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज बी, इसका बेस क्या है, अंकों के योग पर आधारित है, जिसमें 3, 9 और 11। तो पहला नियम देखिए, 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, मतलब जितनी संख्याएं रहेंगी वो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने से जो आएगा उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो पूरे संख्या में 3 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में नीचे देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है 465। अब हम 4, 6 और 5 को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 15 आया, और 15 में हम 3 डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली 9 इज सेम, यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो,
यदि अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो पूरा क्या हो जाएगा, भागफल चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 29034, तो 2903 और 4 को ऐड करें तो 18 आता है, 18 आता है, और 18 में 9 डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 9 से भाज्य हो जाएगा। इसके बाद 11, 11 को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको देखिए ध्यान से। जो हमको नंबर दिया रहेगा उसके सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, मतलब उसके इवन पोजीशन में सम स्थान, सम स्थान ना सम संख्या नहीं, सम स्थान, तो इकाई से अपन लेंगे और सम स्थान में जो जो नंबर होंगे उनका योग करेंगे, उसके बाद फिर विषम स्थान में जो जो नंबर होगा उनका योग करेंगे, और दोनों का अंतर निकालेंगे, अधिक से कम को घटाएंगे, आप ध्यान रखना। और दोनों का अंतर यदि शून्य हो या 11 से भाज्य हो, या शून्य हो या 11 से भाज्य हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा नंबर 11 से भाज्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों तरह के एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल आप देखिए 7127362, तो यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू कलर से हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो विषम स्थान पर क्या है, रेड से दिख लीजिए, तो विषम स्थान क्या है, रेड को प्रदर्शित कर रहा है, उनका योग है 2+3+2+7 जो कि 14 हुआ, और ब्लू में है सम स्थान वाले तो वो है 671, वो भी 14 हुआ, और 14 में 14 को माइनस करेंगे तो 0 हो गया, मतलब यह नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। सेकंड नंबर के एग्जांपल में हमने क्या लिया है, 1391962, तो यहाँ पर विषम संख्या पर जो पोजीशन है जिसको हमने किसे लिया है, रेड से, वो है 2 है, 9 है, 9 है, 1 है, जो कि 21 होता है, और सम संख्या के अंकों का जो योग है 6+1+3=10 होता है, 21 में 10 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 11 तो 11 से डिवाइड हो ही जाता है, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सम संख्या और विषम संख्या, सम पोजीशन और विषम पोजीशन के अंकों को जोड़ना है और आपस में घटा देना है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे बी टाइप के। नाउ नेक्स्ट सी टाइप क्या है, देखिए जो गुणनफल पर आधारित है, जैसे 6, 12, 14, 15, 18, ये तो बहुत ही आसान है, जैसे 6, तो 6 को यदि हम फैक्टराइज करें, गुणनफल करें, तो क्या लिख सकते हैं, 2×3, मैंने ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पर, देखिए 2×3, तो जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 6 का गुणनफल 2 और 3 है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं। इसके बाद 12 से, 12 का गुणनफल क्या है, 3×4, 3×4=12, तो वो जो 3 से तथा 4 से विभाजित हो वो क्या हो जाएगा, दोनों से विभाजित हो जाएगा। वैसे ही 14, तो 14 का गुणनखंड ठीक है 2×7, तो जो 2 और 7 से विभाजित हो वो पूरा हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और 15 को 3×5, तो जो 3 और 5 से हो वो 15 से ही होगा। ये रूल्स आपको बड़े बड़े नंबर को विभाजित करने में बहुत काम आएगा। इसके बाद 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×9, 2×9, तो जो 2 तथा 9 दोनों से विभाजित हो जाए वो हो जाएगा। एग्जाम्पल आप कैरी कर लेना, या आप स्क्रीन शॉट लेने के बाद इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। नाउ नेक्स्ट डी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पैटर्न, दैट इज अंतिम अंक में गुणा करके शेष संख्या से जोड़ने या घटाने पर आधारित, जिसको हमने लिया है 7, 13 और 17। तो 7 का नियम क्या है, देखिए ध्यान से आप सुनिए, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके जो भी संख्या देगा उसका अंतिम अंक मतलब इकाई, तो इकाई के अंक में 2 का गुणा करोगे और उसको छोड़ने के बाद जो शेष संख्या बचेगा उस शेष संख्या में उसको आप माइनस कर दोगे, और उसको माइनस करने पर जो आएगा यदि वो 7 से विभाजित हो तो वो क्या हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आप केयर करना कि यहाँ आपको बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, तो इन संख्याओं को आप बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऐसा उदाहरण लिया है कि आपको समझा सकूं। देखिए एग्जाम्पल को आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, 2429, तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 9, तो बच गया कितना, 242, 242, तो 242 में हमने माइनस किया है 9×2 मतलब 18, तो 242 में 18 माइनस करने से 224 आया। अब मान लो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक बार प्रोसेस को और अप्लाई कर दो, तो 224 में और अप्लाई करेंगे तो 22 और लास्ट का नंबर है 4, 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 - 8 = 14, और 14 क्या होगा, 7 से भाज्य हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसका रूल हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का रूल क्या है, देखिए संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, प्रोसेस तो अब सेम रहेगा, थोड़ा मेथड बदल रहा है, संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर घटाते नहीं, यहाँ पर जोड़ते हैं, थोड़ा नियम बदल गया,
तो 6, 8, 9 का एग्जाम्पल हमने लिया, तो 68 शुरू लास्ट का नंबर 9, 9 × 4 और बच गया इधर 68, तो दोनों को ऐड किया तो 104 आया। 104 में हमने इस मेथड को फिर अप्लाई कर दिया, तो लास्ट का नंबर 4, 4 में 4 का गुणा, 4 चौक 16 और 10 में जोड़ा तो कितना आ गया 26 आया, जो कि 13 से विभाजित है। क्लियर। और इसी तरह से 17 से, तो संख्या के अंतिम को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके से संख्या में उसको घटाएंगे, पहले में घटाते हैं, दूसरे में जोड़ते हैं, तीसरे में फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो क्लासीफाई मैंने किया उस हिसाब से आप तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 731 का एग्जाम्पल लिया है, 73 − 1 × 5 से भाज्य होता है। तो ये रूल आपको बहुत क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है। आपको लास्ट सजेशन है मेरा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। ओके, तो देखिए आज के इस क्लास में मैंने आपको कंप्लीट संख्या पद्धति का बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं और रूल्स लेके आऊँगा, घातांक नियम के रूल्स पहले पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको अंडर रूट निकालना बताऊँगा, लघुत्तम महत्तम, और उसके बाद फिर क्या है अपन बार्ड मास जो होता है, वी बार्ड मास जो होता है हमारा सरलीकरण, ये पढ़ेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो रूल्स बताए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरा लास्ट में बस यही कहना है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, मैथमेटिक्स के प्रति आपका जो डर फोबिया है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, मैं अपने तरफ से पूरा आपका हेल्प करूंगा, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपना आप सक्सेस होइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।